डायनेमिक चार्ट में जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए मंथ है यहाँ पे और यहाँ मेरे पास सेल्स है, ठीक है। इसमें हमने जैन लिया, इसे नीचे तक ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेल दे देते हैं। अब मई अप्रैल चल रहा है ना, ठीक है। अभी क्या है कि आपने इस पे चार्ट लगा लिया, तो ऑफिस में क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो इस तरह से बढ़ते घटते रहता है, दिख रहा है आपको, इस तरह से बढ़ते घटते रहता है। तरुण जी चैट से कॉपी कर लीजिए। नहीं सर, मेरे को तो मिल गई सर बुक, कौन मांग रहा था बुक? सुधीर जी मांग रहे थे। सुधीर जी मांग रहे थे, सुधीर जी कॉपी कर 20 रुपए लीजिए। मांग रहे। ओके तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम चार्ट तो बना लेते हैं, कल के डेट पे हमारा डेटा यहाँ पे जैसे मई यहाँ जुड़ता है, मई मई आ गया और फिर हमें डेटा यहाँ पे डाला। अब क्या होता है, चार्ट को आपको इंक्रीज करने पड़ते हैं, जैसे कि कल मैंने बताया। तो अगर आप पूरे महीने का है तो आप बोलोगे सर मैं एक काम करता हूँ 12 तक रख देता हूँ, तो ये इतना खाली जगह दिखेगा। अब यहाँ पे हम डायनेमिक ये करना चाहते हैं कि भाई मेरा जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली बढ़े और घटे। इसके लिए मुझे एक ऐसा चीज़ चुनना चाहिए कि भाई जितना टाइप है डेटा, मेरा डेटा ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ जाए और घट जाए। तो इसमें दो चीज़ें हैं क्या, एक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आपके साथ, मैं इससे पहले कभी किया नहीं, टेबल पे। क्या टेबल पे अगर मैं चार्ट लगाऊँ, इन शॉर्ट चार्ट, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए जुलाई लेता हूँ, मई के बाद जून लेता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जुलाई ऐसे ए हम पिवट का कंसेप्ट है, बेसिकली आपकी क्लास से पहले मैं पिवट पढ़ा रहा था, इसी पढ़ाया मैंने, तो मेरा जब पिवट में ऑटोमेटिकली रेंज कब से हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो आपके पास सरल आसान तरीका है कि आप इससे भी कर सकते हो। हाँ अगर रिड्यूस, हाँ रिड्यूस, देखिए रिड्यूस के लिए अब मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो नहीं रिड्यूस नहीं हो रहा है ना पे, रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा है कि आपकी आपका जो कॉल है टेबल है ना, और टेबल को रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, तब रिड्यूस होगा। बेसिकली चार्ट जो है कनेक्टेड है टेबल से। तो अब बात होगी, टेबल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चार्ट की फैसिलिटी है जो कि हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ऐसे ना हो, मतलब कि विदाउट टेबल। तो आपको इसके लिए ऑफसेट का फॉर्मूला पढ़ना होगा, ठीक है, ऑफसेट के जरिए ऑफसेट करेंगे। थ्री के साथ। हाँ आप लोग देखा है वीडियो ना, जैसे कि ऑफसेट फार्मूला क्या करता है, चीज़ को देखिए। ऑफसेट फार्मूला का काम है डेटा लुकअप करना। ऑफसेट फार्मूला का काम क्या है, फार्मूला को लुकअप करना, ठीक है, डेटा लुकअप करना। तो मैंने इसको बोला, सिलेक्ट किया कि यहाँ से कॉमा, एक नंबर रो, जीरो नंबर कॉलम। अगर ऐसे कर दिया तो क्या करेगा कि ये डेटा उठा लेगा, मतलब कि ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, यहाँ से एक रो नीचे आएगा, जीरो कॉलन, और इसकी डेटा शो कर देगा। लेकिन इसमें देखिए दो ऑप्शनल पार्ट है, हाइट और विड्थ। अगर मैं हाइट बोलूँ कि इसकी हाइट जो है वो कितने हैं, चार है, पाँच है, और विड्थ एक है, तो ये क्या करेगा, ये डेटा जो है ये क्या करेगा, एक रेंज रिटर्न करेगा। तब ये क्या करेगा, वैल्यू नहीं रेंज रिटर्न करेगा। कैसे, आप इसको समझिए फॉर्मूला एवलेट में जाके। इसमें A1 की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली तो 1 1 होती है ना।
ए वन जो हमने डाला वो ए वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, कि आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपने रो डाला वन और कॉलम डाला हाँ, थ्री, मतलब कि आपका डेटा कि ए वन से कितना रो नीचे जाना है। तो हमने वन डाला मतलब कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, वन मतलब कि जीरो वन, ठीक है ना। और यहाँ से जीरो कॉलम मतलब कि सेम कॉलम में, और बोला कि पांच रो, तो इसने पांच रो पिक कर लिया, एक कॉलम जो एक कॉलम उसको पिक कर लिया। हाइस्ट बिट तो आपको जीरो से नहीं चलता है, वन से चलता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसका रेफरेंस यहाँ पे शो कर दिया ए टू से ए सिक्स, ठीक है। तो क्या इसका इस ऑफसेट फॉर्मूलों को हम अपने इसमें यूज कर सकते हैं जहाँ पे ये आपका ये रेंज बना गया है? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आप सीरीज फॉर्मूले में रेफरेंस के अलावा कोई और फॉर्मूले को मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये ऑटोमेट करना है मुझे पहले। तो ऑटोमेट करने के लिए जहाँ पे हमने फाइव काउंट दिया है उसमें मैं फॉर्मूला काउंट ए का लगा दूंगा, माइनस वन। ए क्या करेगा, सॉरी, ए क्या करेगा यहां पे देखिए बताता हूं। काउंट ए क्या करेगा, पूरे कॉलम को काउंट किया, हालांकि एक हेडिंग है, एक माइनस करना है हमें, इसलिए हमने माइनस वन कर दिया, तो फाइव आ गया, ठीक है। तो ऑफसेट को ऐसे चाहिए था, ऑफसेट ने रिटर्न कर दिया। अब इसी चीज को, लेकिन इसको करने से पहले आप फ्रीज कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, फ्रीज करना जरूरी है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको ऑफसेट को, ओनली फॉर ऑफसेट, ठीक है। और हमने फॉर्मूला में गए, डिफाइन नेम में गया और एक नाम डिफाइन कर दिया एम के नाम से, और उसके जो रेफरेंस है उसके जगह पे फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। और हमारे पास नेम मैनेजर में एम नाम का एक डेटा है जिसके अंदर फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। और चार्ट जो है वो आपका नेम को एक्सेप्ट कर लेता है, देखिए नेम विद सीट नेम एक्सेप्ट कर लिया। अब सेम हम यहां पे जो है बी के लिए लगा देते, ठीक है। और इसको ऑफ से कॉपी करते हैं, कॉपी, एस्केप मारा, और यहाँ पे डिफाइन पे जाते हैं और एस कर दिया हमने, और इसको सेलेक्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने सेल्स है वहाँ पे मैंने दे दिया एस, हो गया। अब देखिए यहाँ पे जून एड हो गया, डिलीट कीजिए, डिलीट हो गया। तो समझ में आया नेमिंग मेथड। अब चलिए डायनेमिक चार्ट में हम बटन्स का यूज करना आपको सिखाते हैं। जैसे कि अभी कभी के डेटा में पास, मान लीजिए सिटी कर देते हैं, सिटी, और यहाँ पे सेल है मंथ वाइज, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, और सिटी यहाँ पे दे देते हैं दिल्ली, अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं इस पे चार्ट बनाऊं, इकट्ठे चार्ट बनाऊं, तो क्या होगा कि चार्ट सही तरह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि हमें चार्ट में कंपेयर सिटी टू सिटी नहीं, इन द सिटी मंथ चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं कि दिल्ली और नोएडा के सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या कंपेयरिंग है। हमें इतना बस कंपेयर करना है कि दिल्ली के अंदर जनवरी का क्या मंथ का क्या कंपेयर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एवरी सिटी को अलग अलग चार्ट में दिखाना पड़ेगा,
इस तरीके से, जो कि बहुत, अगर मान लगा आपने 10 है, अगर 100 हुआ तो, चाहे 200 हुआ तो, ठीक है। यहां पे जो है हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम जो है अपना जो ऑफसेट फॉर्मूला है उस ऑफसेट फॉर्मूला को यूज करेंगे और चार्ट के साथ इसका डिक्लेयर करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक चीज कर रहा हूं, मतलब कि आपका, हम आपको एक जो है सिंपल तरीका बताता हूँ, बाकी एडवांस तरीका आपको खुद करना है, ये आपका बीकन का प्रोजेक्ट होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, बताते हैं आपको, इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर लिया, ये हम हटा देते हैं। तो हमने मतलब बताया कि ऑफसेट फॉर्मूला डेटा लुकअप भी करता है रो एंड कॉलम के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो यहाँ पे इक्वल ऑफसेट लगाता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ और बोलता हूँ कि नंबर ऑफ रो इतना हुआ, 0 कॉलम ये हुआ। और इसको मैं बी ए फोर को, बी ए वन को नहीं फ्रीज करता हूँ, ए फोर को मैं फ्रीज कर देता हूँ और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, कर दिया। अभी क्या हुआ कि 1 डाला दिल्ली आया, 2 डाला नोएडा, 3 डाला, 4 डाला, 5, 6, देख रहे हैं आप, 7 डेटा लुकअप हो रहा है। अब इस पे मैं चार्ट कंसीडर कर लूंगा, इंसर्ट चार्ट, हो गया। इसमें हमारे पास, अब इसमें क्या है कि प्रॉब्लम है कि 1 करोगे तो नोएडा आएगा, अब मैं यहाँ पे 1 करना पड़ता है, हम चार्ट के साथ ही कुछ ड्रॉप बॉक्स टाइप का चाहिए। तो आप डेवलपर टाइम में इंसर्ट पे जाओगे तो आपके पास दो चीज़ होती है, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव कंट्रोल। एक्टिव कंट्रोल लेते हो तो आपको माइक्रो कोड करना पड़ता है, फॉर्म कंट्रोल पे आपको माइक्रो कोड नहीं करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स लिया और कॉम्बो बॉक्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज, मतलब कि इनपुट रेंज मतलब क्या हुआ कि जो ड्रॉप डाउन करके जो लिस्ट आएगा वो लिस्ट कहाँ से आएगा, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि लिस्ट यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते क्या कि यहाँ पे लिस्ट डेटा आ गया आपका उठ के, तो मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट करूँ तो इसका जो सिक्वेंस नंबर है यहाँ पे रिटर्न करे। तो उस केस के लिए आपको फॉर्म कंट्रोल में यहाँ जो सेल लिंक है ना, सेल लिंक पे आपको यहाँ इसको सिलेक्ट करके ओके कर दो। ये क्या करेगा कि जैसे मैं यहाँ पे जो भी सर्च करूँगा, इसमें क्या है, अभी दिल्ली पहले नंबर पे है तो पहला नंबर देगा, दूसरे नंबर पे है तो दूसरा देगा, तीसरे नंबर पे है तो तीसरा देगा, चौथे नंबर पे चौथा देगा, ऐसे नंबर्स यहाँ डालेगा। नंबर यहाँ डालते ही ऑफसेट अपना रिजल्ट चेंज करेगा, जब ये रिजल्ट चेंज करेगा तो चार्ट अप यहाँ चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पर एक चेकबॉक्स भी आता है, जैसे कि मैं आप चाहता हूँ दो दो का कंपेयरिंग, एक सिटी का हुआ ना, मैं चाहता हूँ दो सिटी का कंपेयर करना, तो मैं यहाँ पे भी एक 1 लिखता हूँ और सेम फार्मूला जो हमने यहाँ कॉपी किया है यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसकी जगह पे इसको ले लेते हैं, और चार्ट में हम इसको भी नीचे ड्रैग कर देते हैं, आ गया। एक मिनट, मैं यहाँ पे चार्ट चार्ट ऑप्शन में जाता हूँ, चार्ट का जो है लेआउट थोड़ा चेंज करता हूँ, तो यही सही है, लेआउट अपने साथ डिजाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसमें एक और लिस्ट बॉक्स होता है, लिस्ट बॉक्स क्या करता है कि चाहे भी कॉमा बॉक्स की तरह काम करता है लेकिन लिस्ट बनाता है। तो फॉर्म कंट्रोल, इनपुट रेंज सेम तरीका है वो भी करने का, इनपुट रेंज सेल लिंक, मैंने इसको दे दिया। अभी क्या हो गया कि अब मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट करूँगा, नोएडा सेलेक्ट किया यहाँ पे कानपुर, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एक करके आप कंपेयरिंग कर सकते हो आसानी से कि दिल्ली क्या है और यहाँ पे दिल्ली, नोएडा, पुणे, इस तरह से कंपेयरिंग कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन ये अलग सा लग रहा है, तो इसमें एक और चीज़ है, 3D शेडिंग है, तो 3D शेडिंग कर दोगे तो क्या होगा, कैसा लगेगा, दिस इज पार्ट ऑफ द चार्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं, एक और टारगेट डालना चाहता हूं मैं यहां पे, ठीक है, टारगेट मैं ऊपर में, इस तरह से, तो मैं चाहता हूं यहां पे चेकबॉक्स, मैं चेकबॉक्स लगाऊं, मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करूं तो टारगेट कंपेयर हो, ना क्लिक करूं तो टारगेट कंपेयर ना हो। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल, 3D सेटिंग, और सेल लिंक पे मैंने यहां दे दिया। तो चेकबॉक्स क्या करेगा कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ट्रू देगा, अनक्लिक करूंगा तो फॉल्स देगा। तो मैं यहां पे कंडीशन लगा सकता हूं कि इफ दिस इज द ट्रू तो टारगेट शो करे, नहीं तो ब्लैंक शो करे। इसको फ्रीज कर दीजिए आप। और इसी को इसके अंदर ले लीजिए, और टारगेट को मैं चाहता हूं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेस इन चार्ट टाइप, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो लाइन दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ें कर सकते हो। इसमें आपके पास स्पाइन बटन होता है, ये किसके लिए होता है, नेक्स्ट प्रीवियस के लिए होता है। फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम कितना नंबर हमारा 10 है, नहीं 9 कर देते, टारगेट नहीं लेना है ना। और सेल लिंक मैंने कर दिया यहाँ पे, या यहाँ पे कर दिया, मैं क्लिक करूँगा ना, ऐसे चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स के थ्रू कर सकते हो आप, या स्क्रॉल बार है, बार ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो आप, ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब समझ में आया आपको डायनेमिक चार्ट का। ओके तो आपको आज का होमवर्क है, आगे अब मैं आप नहीं पढ़ाऊंगा, आपका एक्सेल का पार्ट जो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मंडे के आपके साथ मैं एक डैशबोर्ड बनाऊंगा और कुछ डैशबोर्ड के एग्जांपल आपको दूंगा। मंडे ही मैं आज ही दे देता हूँ, लेकिन एक काम पहले करना आपको, एक काम पहले क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे हमने बताया कि ये डेटा इससे लिंक है, मतलब कि इस चार्ट के लिए, इस एग्जांपल के लिए डेटा को मुझे एक जगह रखना पड़ रहा है। मैंने आपको ये चार्ट का एग्जांपल समझाया था, इस एग्जांपल को आप इसमें अप्लाई करो और चार्ट को डायरेक्ट लिंक करो इससे, ठीक है। ये फाइल मैंने समझा नहीं कि आप क्या बोला आपने। मैम चार्ट के लिए हम अलग एक डेटा रख रहे हैं ना, हम अलग डेटा नहीं रखना चाहते, हम अलग डेटा नहीं रखना चाहते यहाँ नीचे, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम चाहते अभी क्या हो रहा है कि ए डेटा इससे लिंक हो रहा है और इससे चार्ट लिंक है। जब हम डायरेक्ट चार्ट को डेटा से लिंक कर सकते हैं डायनेमिकली, तो इसको भी कर सकते हैं। तो आप जो है हमारे शीट नंबर 1 पे दी गई एग्जांपल को आधार लेके आप इसमें चेंजिंग कीजिए कि मेरा जो डेटा है वो डेटा डायरेक्ट हमारे डेटा से लिंक हो। इसके लिए एक अलग मुझे एक हेल्पिंग के लिए एक अलग सेपरेट डेटा रखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आज कुछ इसके डैशबोर्ड के एग्जांपल्स भेज रहा हूँ, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ डैशबोर्ड के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये कुछ है डैशबोर्ड का, 10 डैशबोर्ड है, इसको आपका एक बार देख लीजिएगा। इसमें वो सारी चीज़ें यूज की गई है जो कि हम आपके साथ यूज किए हैं, तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें 3 जो है डैशबोर्ड, उसमें वीवी, कुछ डैशबोर्ड में वीवी यूज किया गया है, कुछ में नहीं यूज किया गया, कुछ में पूरी तरह से वीवीएस है, इसमें थोड़ा बहुत वीवी है। लेकिन इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपके डैशबोर्ड किस तरीके से होता है।
ठीक है, और है कितने एमबी का है, 2 MB का चल जाएगा मेरे। ये आपको मैं अभी मेल, इसको दोनों फाइल को मेल कर देता हूँ, ठीक है। तो मंडे मिलते हैं, आप लोग अच्छी तरह से